आप सीवरेज को ले लो, वाटर सप्लाई को ले लो, बिजली को ले लो। हमारा जो कॉरपोरेटर था बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें ये उम्मीद थी कि ये कॉरपोरेटर सेंटर सरकार से जुड़ा हुआ है, हमारी पानी की समस्या को हल करेगा। आपको मैं बताऊं, इस मोहल्ले की इतनी बुरी हालात हैं कि यहाँ आपको हफ्ते में 2 से 3 बार पानी मिलता है, वो भी किसी की भी टाइमिंग नहीं बोल पाएंगे। इसमें से कितना नंबर? मैं तो 0 ही दूंगा जी, और 0 के भी काबिल नहीं है वो। 0 भी एक वर्ड होता है, वो 0 के भी काबिल नहीं। बिजली की इतनी दिक्कत है, कहने की बात नहीं है। किसको बोलते हैं इसको ठीक कर दो, कहते हैं आएंगे हम ही आएंगे। गली टूटी हुई है सारी, नाली के नीचे से खराब है, पूरा बुरा चलती है। स्ट्रीट लाइट चलती है, स्ट्रीट लाइट तो चलती नहीं है। चाहते हैं इस बार, हां ब्लॉक चाहते हैं। किस तरह का नेता चाहते हैं इस बार? नेता होना चाहिए, नेता हमें चाहिए साफ सुथरा, अपना घर नहीं देखे, पब्लिक को देखे, हमें नेता वो चाहिए। चुनाव को हो गए हैं 5 साल, और कैसा है आपके वार्ड का हाल? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जनता से सवाल कर रहे हैं कि 5 सालों का समय जो है वो बीत गया है, एक बार फिर से चुनाव जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आने को है, और आपके कॉरपोरेटर ने आपके इलाके का हाल कैसा क्या है? क्या जो स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, तो आपका वार्ड जो है क्या आपके कॉरपोरेटर के द्वारा स्मार्ट बना है, या उसका हाल जो है वो बेहाल है? अभी मैं वार्ड नंबर 47 में हूँ और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ है, इन्हीं से जानते हैं कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड में ये कितने मार्क्स जो हैं अपने कॉर्पोरेटर को देते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और कितने मार्क्स देंगे अपने? मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं वार्ड नंबर 47 से हूँ। रही जो उनके काम के ऊपर, उनको आप मास्क देने के बारे में बात कर रहे हो, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आप इस गली पर नज़र दौड़ा सकते हो अपने कैमरा मैन जी को बोल के, ये वार्ड नंबर 47 की है। आप देखो, क्या आपको लगता है कि यहाँ से कोई बुजुर्ग जो है वो नीचे नहीं आ सकता, नीचे या ऊपर जा सकता है? इतने ऊंचे स्टेप हैं और टूटा हुआ जैसा सारा, सारी गली टूटी हुई है और गंदगी के भी ढेर सर यहाँ पर लगे हुए। आपने हर एक आज सिटी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जितनी भी नालियां हैं ये कवर्ड है। वार्ड नंबर 47 की जितनी भी नालियां आप इस मोहल्ले में देखोगे वो आपको ऐसे ही दिखेंगी। बेसिकली इस मोहल्ले का एक दुर्भाग्य है कि ये आधा मोहल्ला जो है वार्ड नंबर 47 में है और आधा जो है वार्ड नंबर 48 में है। मैं वार्ड नंबर 47 के जो पार्षद हैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक पार्षद के जो काम होते हैं उन्होंने बाखूबी तरीके से निभाए वो। अब बात करें वार्ड नंबर 47 से, वार्ड नंबर 47 से जो पार्षद थी हमारी, वो मैडम कभी आज तक इस मोहल्ले में आई नहीं जी। लोगों ने वोट दिया था इस उम्मीद से कि सेंटर की सरकार का उम्मीदवार है ये, कुछ अच्छे काम होंगे। हमें पिछले 40-40 सालों से ये इनका रिपेयरिंग नहीं हुआ है, शायद इस बार रिपेयरिंग हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल खड़े नहीं उतरे इस बात पे। एक पैसे का काम उन्होंने, मैं बताऊं कि अगर आप उनके एरिया में जाओगे, उनके एरिया में भी लोग उनसे परेशान हैं इस चीज़ को लेके। वहाँ की तो छोड़ो, वो तो काफ़ी उनके बिल्कुल करीब हैं, ये बाप देख रहे हो एरिया, यहाँ से उन्होंने बोर्ड लिए हुए हैं। और ये छोटी सी गली है, कितना ही बिल्कुल छोटी सी गली है। अब ये सिर्फ एक गली है जो आपके सामने है, अगर आप देखोगे पूरा ये जो मोहल्ला है इसमें बड़ी बुरी हालत है। वार्ड नंबर 47 से जितने भी लोग यहाँ पे इस मोहल्ले में रहते हैं सबके सब परेशान हैं। आप सीवरेज को ले लो, वाटर सप्लाई को ले लो, बिजली को ले लो। हमारा जो कॉरपोरेटर था बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें ये उम्मीद थी कि ये कॉरपोरेटर सेंटर सरकार से जुड़ा हुआ है, हमारी पानी की समस्या को हल करेगा। आपको मैं बताऊं, इस मोहल्ले की इतनी बुरी हालात हैं कि यहाँ आपको हफ्ते में 2 से 3 बार पानी मिलता है, वो भी किसी की भी कोई टाइमिंग नहीं है। लोगों ने सोचा था कि शायद ये पार्षद जो है अच्छा काम करेगा, कम से कम अगर वो पार्षद चाहता तो वो यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का उसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ मुड़ के देखा ही नहीं और लोग परेशान हो गए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो हैं उनके बारे में आपको एक भी अच्छा वर्ड बोल पाएंगे। इसमें से कितना नंबर? मैं तो 0 ही दूंगा जी, और 0 के भी काबिल नहीं है वो। 0 भी एक वर्ड होता है, वो 0 के भी काबिल नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ की गलियाँ बोल रही हैं, यहाँ की नालियाँ बोल रही हैं, हालात बोल रहे हैं। अब देखो हालत देख सकते हो, जो लगाए गंदा पानी आता है वो हमने खुद कराया अपना, बल्कि देकर 5 साल में क्या क्या काम? 5 साल में मैडम आप देख सकते हैं क्या बना हुआ है। देखो जी, चूँकि रोडा कड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, सारा दुकान के अंदर पानी जा, मकान के अंदर पानी जा रहा है। क्या किया, कुछ नहीं किया।
आने वाला टाइम से आगे देख रहे हैं क्या आएगा, कोई बिजली का देखो कितना बिल आ रहा है। वही कॉर्पोरेटर वोट मांग रहे हैं, वो कॉर्पोरेटर तो हमने दे दिया है, आने वाला टाइम में कौन देखेगा, वो हम होल पार्टी देंगे। बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ बदलाव चाहते हैं। किस तरह का नेता चाहते हैं इस बार? नेता हम होना चाहिए, नेता हमें चाहिए साफ सुथरा, अपना घर नहीं देखे पब्लिक को देखे, हमें नेता वो चाहिए। चलिए साफ तौर पर कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं। और जी सर क्या हाल क्या है वार्ड का, पाँच साल में काम? वार्ड का बहुत बुरा हाल है, पानी यहाँ नहीं मिलता, तीन दिन के बाद पानी आता है। आज 15 दिन हो गया मुझे, मेरी जो पाइपलाइन है मेन वो ब्लॉकेज है, मैंने AWD ए की जेई की सबको मैंने बोला, इवन लिख के भी दिया मैंने उनको रिगार्ड, उसने मेरी कंप्लेंट भी लिखी है, आज दिन तक मेरे पास कोई नहीं आया। बिजली की इतनी दिक्कत है कहने की बात नहीं है, किसको बोलते हैं इसको ठीक कर दो कहते हैं आएंगे हम ही आएंगे, गली टूटी हुई है सारी, नाली के नीचे से खराब है, पूरा बुरा चलती है, स्ट्रीट लाइट चलती है, स्ट्रीट लाइट तो चलती ही नहीं है, चिल्ले कभी लगाए जल जल गए, बोल देते हाँ ये चलेगा जी, आपको ये लाइटें देंगे जी, वो देंगे जी। कब लगाई थी? अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी 5-10 दिन हुए हैं लाइट लगाई, बाद में टूट पहले गई थी। चलती है लाइट? लाइट कोई नहीं चलती, कोई नहीं चलती है। तो कॉर्पोरेटर से कहा आपने कि दिक्कत आ रहा है? हमें हम तो बोलते नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए, वो देखो ना लाइट अभी लगाई हुई है, नई लाइट लगाई हुई है, लोगों ने घर में लगाई हुई है लाइट, वो बिजली डिपार्टमेंट ने कराया हुआ था, ये जो लाइट है ना इसको तार काट के वहाँ लगाई हुई है, ये हाल।